हर भय और बाधा को दूर करना है तो आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आप इस व्रत को करें और इस व्रत की कथा को जरूर सुने। देवी सज्जनों, राम राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं काला अष्टमी की व्रत कथा। अगर आपको हर भय और बाधा को दूर करना है तो यह व्रत करें और इस व्रत की कथा को जरूर सुने। किसी पे जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या अगर हुई है तो इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से जादू टोना, तंत्र मंत्र सब दूर हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं। बाबा महाकाल के कई रूप हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से पूजा और पुकारा जाता है। इन्हीं में से एक है भगवान काल भैरव। काला अष्टमी के दिन पूजन के समय बाबा काल भैरव की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काला अष्टमी व्रत रखा जाता है। बता दें कि महाकाल के कई रूप हैं। अगोरी समाज के लोग काला अष्टमी को उत्सव की तरह मनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काला अष्टमी के दिन भगवान भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति का भय मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। काला अष्टमी के दिन पूजन करने वाले सभी भक्तों को भैरव बाबा की पूजा की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का जन्म हुआ था। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और साथ ही जादू टोना और तंत्र मंत्र का भय भी खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से सभी नव ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं, उनका शुभ अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर दूसरे को कमतर आंका जाने लगता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह लड़ाई आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। मनुष्य तो क्या देवता तक इससे नहीं बच सके। बहुत समय पहले की बात है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकाल दिया उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे, कांपने लगे। काल भैरव जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, ब्रह्मा जी ने पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीशी बचे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी ने माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुंचे जहां उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। कुछ कथाओं में श्रेष्ठता की लड़ाई के लिए
श्रेष्ठता की लड़ाई के लिए ब्रह्मा, केवल ब्रह्मा जी व भगवान विष्णु के बीच भी बताई जाती है। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपादी भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपानी भी कहा जाता है। हर हर महादेव। आपको यह वीडियो, यह कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।